नमस्कार जोहार आदाब, मैं वहाँ प्रजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। नगर परिषद की हर प्रवृत्ता और उदासीनता का कारण है कि पर्व और त्यौहार का मौसम होने के कारण भी आज कर्पूरी चौक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के ठीक नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों का कई महीना से बकाया मानदेय को लेकर आज वो लोग हड़ताल पर है और उसका आज ये कारण दिख रहा है, पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पीछे में गंदगी का अंबार सा पहाड़ सा बनता जा रहा है और लोग जो भी लोग इस पूजा के पर्व के अवसर पर यहाँ से पार हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो अपनी नाक को दाब करके पार हो रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग और क्यों नहीं साफ सफाई हुई है, आइए उनसे जानते हैं। सामने गंदगी का अंबार है, कैसा है? अरे भाई, इसके लिए हम चेयरमैन को भी कहे, कितना दिन से गंदगी का? ये गंदगी 4-5 साल से फेंका रहा, उठ रहा है, 2-4 दिन के बाद उठता है। गंदगी जितना बजा उजार होटल फोटल मांस मछली मुर्गा अंडा का जितना भी सब यहाँ आके फेंकता है। यहाँ सफाई का कुछ नाम नहीं होता, सफाई लोग कोई नहीं करता है। चेयरमैन के बोले इसका व्यवस्था किसी दूसरा जगह कीजिए फेंकने का, हॉट ऑफ द टाउन है, वो बोलता है आप जगह दीजिए फेंकने के लिए। आप ही बोलता जगह दीजिए? हाँ, जगह दीजिए, कहाँ फेंकेंगे? समूचा वो पहले धर्मस्थान का कूड़ा करकट नहीं आता यहाँ फेंका रहा है, बढ़ई पड़ा का नहीं आता था यहाँ फेंका रहा है, नर्सिंग होम का नहीं आ रहा यहाँ फेंका रहा है, आपका सब जगह 3 मिनट का जितना मास्क का समय है और हाँ। गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, सफाई उफाई भाई कुछ ही नहीं है, बोलता हड़ताल में गया ना क्या गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या बात है। वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद कोई मॉडर्न है, नाम तो नहीं तो मालूम नहीं, उसको भी बोला थक गया, वो भी बोला कि अपना व्यवस्था कीजिए कहीं दूसरा जगह, यहीं सब फेंकाएगा यहीं पर। यहाँ मूर्ति है, पानी पीने का टैंकी है, हम तो डीसी साहब को जाएंगे पूजा के बाद लिख के हम देते हैं डीसी साहब को, कई म्यूनसिपैलिटी में हम थक चुके हैं दिल्ली के हुए। राज वर्मा, गंदगी यहाँ कितना दिन से फेंकाया? कितना दिन से नहीं, ये गंदगी डेली सारा बाजार का गंदगी यहीं लाके गिराया जाता है। साफ होता है रोजाना? उस रोजाना साफ होता है लेकिन 4 बजे के बाद। यहाँ तो लोग बोला कि 3-4 दिन से साफ करने वाला नहीं आया है। साफ करने वाला आता है लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। पूजा का समय है, पूजा का समय है, गंदगी है, पूजा पाठ का सामान लोग लेकर के जाता है, नाक में हाथ दे के जाता है, किसी का सामान कोई सट गया या गाड़ी मेन रोड में लगा हुआ रहता है। हर यहाँ पे पेयजल का सुविधा झूठ का बना दिया गया, देखिए चालू नहीं है, चालू नहीं है गंदगी, उसके वजह से और जगह वहाँ फेंक लिया और रोड गंदगी जो बीच रोड में आ गया। ये यहाँ पर गंदगी फेंका हुआ है कई दिनों से, उठा नहीं है, पर्व का मौसम है त्यौहार का मौसम है, कैसे होगा साफ सफाई नहीं है? ऐसे अखबार के माध्यम से पता चला है, न्यूज़ के माध्यम से, जो उन लोग का हड़ताल है और उनको मानदेय नहीं मिलने के कारण हड़ताल चल रहा है, तो उनको जल्द से जल्द मानदेय दे दिया जाए ताकि पूजा पर्व जो हमारे हिंदू के बहुत बड़े पूजा पर्व है तो उसमें सही समय पे सफाई हो पाए, और जरूरी है और पूजा का समय है तो गंदगी से अच्छा नहीं होता है, बीमारियाँ का होता है, तो मैं नगर पालिका से के पदाधिकारी से अनुरोध करूँगा जो इसको जल्द से जल्द ठीक कराने की ये कराए, पहल की जाए।